ऐसा लगता है कि बिग बॉस जब तक हर वीकेंड पर एक बार प्रियंका या अंकित में से किसी एक को ट्रोल या स्लैम या स्लैश ना करे तब तक बिग बॉस को चैन नहीं मिलता। जी हाँ, वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूँ ज्योति नाहक। वैसे तो इस घर में कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं पूरे हफ्ते में जिनको बिग बॉस बड़े ही स्विफ्टली अवॉइड कर देते हैं, जिनके बारे में ना ध्यान दिया जाता है, ना उन पर बात की जाती है, उन्हें तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन अंकित प्रियंका से रिलेटेड ऐसे छोटे छोटे मुद्दे भी कई बार क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि मुद्दा भले ही किसी का भी हो लेकिन उस पर प्रियंका ने रिएक्ट किया या नहीं रिएक्ट किया वो भी एक मुद्दा बन जाता है। फिर आप कहते हो कि प्रियंका रिएक्ट बहुत करती है, तो क्या करे यार, बच्चे की जान लोगे क्या? अब रिएक्ट भी ना करे तो क्या करे। खैर, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से हमेशा की तरह प्रियंका चहल चौधरी को टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ, बिग बॉस के घर के अंदर बहुत ही एविडेंटली, बहुत ही क्लियरली ये चीज दिख रही है, बहुत ही क्लियरली ये चीज नजर आ रही है कि प्रियंका को टारगेट किया जा रहा है। कैसे? जाहिर सी बात है, ये बात तो मुझे पता ही थी और ये बात आप सबको भी पता ही थी कि जब नॉर्मल मुद्दों पर इतना बहस होती है तो जब प्रियंका ने अंकित को बजर दबाकर नहीं बचाया उस बात पर तो डबल ट्रिपल बवाल होने वाला है और बवाल होगा भी और हो भी रहा है। क्यों? क्योंकि जब बाकी दोनों मुद्दे हुए थे, हालांकि उस चीज में मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगता है, देखो प्रियंका का लॉजिक भले ही अपने लेवल पर सही है कि टीना को शालीन बचाएगा ही बचाएगा, गौतम के लिए सौंदर्य बचाएगा ही बचाएगा, मेरा अर्चना का क्योंकि हम दोस्त थे उस टाइम पे काफी अच्छे, लेकिन आपका सुंबल का कोई रिश्ता नहीं था उस टाइम पे। सो इस लॉजिक से प्रियंका सही है, लेकिन अगर प्रियंका सिर्फ इस लॉजिक के बेसिस पर अपनी बात रखेंगी या रख रही हैं तो वो गलत ही साबित होंगी, क्योंकि बिग बॉस के घर में वैसे बड़े बड़े लॉजिक्स नहीं चल पाते तो ये लॉजिक क्या चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। बट हाँ, ये जरूर है, मैं आपको बता दूं कि प्रियंका को इस बात के लिए ही सलमान खान आज वाट लगाने वाले हैं। आपको थोड़ा सुना देते हैं। प्रियंका, जब आपने अंकित को बचाने के लिए बजर नहीं दबाया तो आपका डिसीजन बेहतर कैसे था? पैसे मैंने नहीं गवाए सर, उसमें मैं अपने दोस्त की बलि नहीं चढ़ाई। तो प्रियंका ने क्लियरली बोल दिया है कि मैं अपने हाथों से अपने दोस्त की बलि नहीं चढ़ा सकती। हाँ, अगर ऐसा होता कि मेरे बजर दबाने से बजर दबाकर अगर 25 लाख भी वापस आने होते तो मैं जरूर कर लेती, लेकिन ऐसा तो बिग बॉस ऑप्शन देंगे नहीं, जाहिर सी बात है ना प्रियंका। बट फिलहाल के लिए जैसा मैंने कहा, सलमान खान एक बार फिर से प्रियंका को आप कह सकते हो कि अच्छे तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ एक सार्कास्टिक तरीके से, एक बड़े ही टॉन्ट मारने, ताने मारने वाले तरीके से जो है बिग बॉस पूरा ये सिनेरियो बना रहे हैं। प्रियंका को रानी बनाकर बिठा दिया गया है और कहा गया है कि आपसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, वगैरह वगैरह, इस तरह के कई सारे एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं। सो अगर आपको किसी को स्लैम करना है, किसी को आपको बोलना है कुछ, बिग बॉस ये मेरी तरफ से आपके लिए है, तो आप सीधे मुंह बोलिए। आप किसी को ताना मारकर या मस्ती मजाक में राउंड बातें कर ये सब मत कीजिए जिस तरीके से आप कर रहे हैं। खैर, प्रियंका को जिस तरीके से स्लैम किया जा रहा है इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आई एम श्योर आप लोग यही कहेंगे कि गलत हो रहा है, बट फिर भी क्या आपकी राय है आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आप लोग जो कमेंट्स करते हैं वो मैं पढ़ती हूँ और उसके बेसिस पर ये इंटरेक्टिव सेशन बनेगा रादर देन जस्ट सिटिंग और खाली बोलने के बजाय ये एक इंटरेक्टिव सेशन जो है वो बनेगा। फिलहाल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ पर बताइएगा जरूर।